अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका अपना मियाँ ज़िया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब के हालात पे रहम करे, अल्लाह ताला अपना फ़जल करम एहसान फरमाए सब के ऊपर। मैं इस वक्त यूके में हूँ और यूके का एक इलाका है ग्लासगो, बहुत प्यारा एरिया है, बहुत प्यारा व्यू है। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। यहाँ पर आज एक प्रॉपर्टी का विज़िट था तो मैंने कहा चलो आप दोस्तों को भी शामिल करते हैं कि यूके में प्रॉपर्टी का बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे व्यूइंग होती है। आ जाइए, आपको पहले प्रॉपर्टी का विज़िट कराते हैं। ये इसका मेन डोर है, मेन डोर से आप एंटर होते हैं तो ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम वेरी नाइस, साफ सुथरा फिटेड। चिमनी है बहुत पुराने स्टाइल की, कोयले पे चलती है। घरों को गर्म करने के लिए पहले ये चिमनियाँ यूज़ किया करते थे, आजकल तो ये रेडिएटर्स आ गए हैं गैस पे चलने वाले। अच्छा जी, हम लिविंग रूम को एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ आपको मैं यहाँ से इस एंगल से। ये उसका मेन डोर है, ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम से अगर हम निकलते हैं तो सीधा किचन में आते हैं। किचन भी बहुत अच्छा फिटेड किचन है, अच्छा एरिया है। किचन एंड डाइनिंग इसके अंदर लग सकता है, खुला एरिया है। छोटा सा डाइनिंग टेबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं और साथ ये छोटा सा इसके स्टोर टाइप कुछ बना हुआ है। किचन से बाहर निकलते हैं, ये इसका लॉन है, छोटा है, अच्छा है, साफ सुथरा है, वेल मेंटेन्ड है, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा। ये रेन शेड भी बना हुआ है, यहाँ पे बैठ के आराम सुकून से इंजॉय भी कर सकते हैं बारिश को, बारिश तो यहाँ पे अक्सर रहती है। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं और मैं आपको ऊपर का व्यू भी कराता हूँ। बिल्कुल सामने एक छोटा रूम है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, साफ सुथरा। ये बेसिकली दो बेडरूम का घर था लेकिन इसके ओनर ने इसकी एक्सटेंशन कराई है लॉफ्ट के अंदर। ये इसका मास्टर बेड है, फिटेड वार्डरोब्स। दीवारें दिखाने का आपको मकसद और कोई नहीं है, सिर्फ ये देखना होता है कि कहीं पे कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, कोई डैम्प तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल साफ सुथरा है। ये इसका बाथरूम है, अच्छा साफ सुथरा बाथरूम है। स्टेयर्स, ये जो मैं बात कर रहा था एक्सटेंशन की, ये एक्सटेंशन की हुई है ऊपर लॉफ्ट के अंदर। यहाँ पे इस एक्सटेंशन का बहुत ख़र्चा होता है, एटलीस्ट 20 to 25,000 pounds जो है ना वो इसके ऊपर ख़र्चा आता है। बहुत अच्छा गुड साइज़ का रूम है। जब इसके अंदर आए तो ये आगे जाके एक और रूम है, बहुत प्यारा, ज़बरदस्त, वेंटिलेशन के लिए विंडो भी है। और ये मेरे ख्याल में इसके नीचे स्टोरेज है। अब देख सकते हैं कि स्टोरेज बैगेज वगैरह जो भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह यहाँ रख सकते हैं। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। बाहर का व्यू कराता हूँ आपको, ये देखें, बहुत प्यारा एरिया है ग्लासगो का, पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। बड़ा पुरसकून माहौल है, चारों तरफ कोई शोर शराबा नहीं है। ये आप देख रहे हैं छत, सारी छतें आपको पूरे यूके में ऐसे ही नजर आएंगी,
लेकिन इस छत के ऊपर ये नज़र आपको आ रही है स्ट्रेट है, लेकिन इसने एक्सटेंशन की हुई है और इसको इस रूम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त जगह है। एक्स्ट्रा एक स्पेस थी जो इसने यूज़ कर ली है। तो दोस्तों, इस हाउस की जो आस्किंग प्राइस है ना, वो 210,000 pound है, 2,10,000 pound। लेकिन इसकी ऑफर जो है ना, वो ऊपर जा चुकी है। अभी तक किसी ने 220,000 pound की भी ऑफर की है, लेकिन मेरे ख्याल में वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई। जो ओनर है वो इससे ज़्यादा कुछ देख रहा है कि इससे ज़्यादा कुछ उसको ऑफ़र आए। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं जहाँ जहाँ भी विज़िट करने जाया करूँगा, आप दोस्तों को साथ लेकर जाया करूँगा। और उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी के मतलब कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी मशवरा करना हो, आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे दूँगा इंशाल्लाह। ये हमारी ड्यूटी होती है कि जब हम घर का विज़िट मुकम्मल करते हैं तो हमने सारी लाइट्स ऑफ करनी होती हैं, कोई लाइट ऑन ना रह जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जिनको मेरा नाम पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते, मेरा नाम मियां मोहम्मद ज़ियाउल हक है और यूके में हैं हम। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो नई आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जल्दी आपको नई वीडियोज़ भी मिलेंगी इंशाल्लाह। ओके, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सपुर्द मौला, खुदा हाफिज़।